मॉर्निंग गाइस, कड़ी में बज गए 7। ओ भाई गॉड, तो होने वाले हैं 7:30। अभी 7:30 नहीं, अभी 7:08 हो रहे हैं। तो हम कर लेते हैं फटाफट घर की सफाई, सफाई कर लेते हैं सफाई। ठीक है, चलिए करते हैं सफाई स्टार्ट। पूरे घर की सफाई ऑलमोस्ट हो चुकी है, डन। अब पोछा सब, झाड़ू पोछा सब लग गया है और पसीने से हालत देखो। अब मैं जा रही हूँ नहाने और फिर पूजा करेंगे, फिर खाना बनाएंगे। गाइस, फाइनली मैंने नहा दिया है और आज भी हल्किया है, मैंने नहीं नया कुर्ता और बनाने कैसा लग रहा है। तो मैं जा रही हूँ अभी मंदिर की सफाई करने, उसके बाद मैं करूँगी पूजा और फिर उसके बाद बनाऊँगी गुसाई के लिए खाना। और गैस पे मैंने आलू चढ़ा दिए उबलने के लिए, तो जब तक वो उबलते हैं तब मैं मंदिर साफ पूजा वूजा कर लेती हूँ, उसके बाद आराम से तसल्ली से बैठ के खाना बनाऊँगी। ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। सो हे गाइस, मैं किचन में आ गई थी और यहाँ मेरे आलू भी छिल गए थे और मैं वॉइस ओवर करके डाल रही हूँ क्योंकि घर में मैंने भजन चला रखे थे। तो यहाँ पहले मैंने किचन में आते ही मेरे ठुमके देख रहे हो आप, और मैं हाथ धोकर जा रही हूँ सब्जी की तैयारी करने। तो यहाँ मैं टमाटर काट रही हूँ क्योंकि आजकल टमाटर बहुत जल्दी पता नहीं क्यों फ्रिज में रखने के बावजूद भी ख़राब हो जा रहा है, या तो मैंने दबा दिए हूँ या कुछ कर दिया होगा पता नहीं। तो यहाँ पर मैं टमाटर निकाल रही हूँ जो थोड़े पिचक गए हैं, ये सब्जी बनाऊँगी। तो मैं पहले वो यूज़ कर लेती हूँ जो जगह, और मैं भजनों में नाश करते करते खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो अभी यहाँ पर खाना बनने के लिए मैं सारा सामान इकट्ठा करके रख रही हूँ। तो ये मेरा कुर्ता आप लोगों को कैसे लग रहा है ज़रूर बताना, और अगर आपको बाय करना है तो आप मुझे बोल सकते हैं। ये मेरे इंस्टाग्राम पेज पे भी अवेलेबल है और मेरे पास भी अवेलेबल है, और इसमें प्लस साइजेस भी अवेलेबल हैं इस कुर्ते में। तो इसको मैंने मैरून कलर की लेगी के साथ वेयर किया था। तो व्रत वाले दिन मैं काओ मिल्क यूज़ करती हूँ, वैसे तो हमारे घर में भैंस का दूध आता है। तो अभी मैंने ये काओ मिल्क जो मैंने आप लोटा जला हुआ काओ मिल्क का था, उसको मैं फ्रिज में रखने चली गई क्योंकि शिव जी पे भैंस का दूध नहीं चढ़ता है। तो अब यहाँ पर कद्दूकस किए जाएंगे टमाटर। तो गाइस, सुबह सुबह यही काम होता है, सब्जी बनाना, और इसलिए सारा आधे से आधा व्लॉग मेरा किचन में ही शूट होता है। तो जल्दी जल्दी मैं सब्जी बना रही हूँ, तो अब आगे मैं इसको करने वाली हूँ बहुत तेज तेज। तो बने रहिएगा व्लॉग में। आलू की सब्जी की कोई रेसिपी नहीं होती, सबको पता है कैसे बनती है।
कुछ हो गया है तैयार, गुसाई जी का लंच भी तैयार कर दिया है मैंने, और यहाँ मैंने बनाई है आलू सब्जी। सुबह को कल आज रात को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि रात को भी यही बनेगा, क्योंकि यार फास्ट में ना होता नहीं, हो नहीं पाता। चलो दूध पी के जाना। हाँ गुसाई जी तैयार हो चुके हैं। हाय बोलो। हाँ जी गुसाई जी आज फॉर्मल पहन के जा रहे हैं। बस तुम्हें सदस के क्यों जा रहे हो गुसाई जी? कोई आने वाला है? कोई आने वाला है? मेरा बर्थडे आने वाला है, कोई गिफ्ट देने वाला है कि इसको देखियो, दूध दे दूंगी ना, पिएगी नहीं। दूध पीना आपको? दूध अच्छा, ये पता क्या सोच रही है? ये सोच रही है तुम शेक पी रहे हो, है ना? दूध देव दे। मौसम खतरनाक हो चुका है, आपको दिखाते हैं बाहर का वेदर, आंधी और बादल एक साथ। दोस्तों आ गया ऑफिस से, आज फिर से वही लेट लती, और अभी अब कर रहे हैं डिनर, और डिनर में बने हैं आज चावल, पीले चावल, पीले चावल, पीले चावल, अचार है, बीमार इंसान। अब मिलते हैं आप लोगों से खाना खाने के बाद, एक बीमार इंसान यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है। चलो मिलते हैं खाने के बाद।